नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की एक और प्रस्तुति में। आज हम बात करने जा रहे हैं मी टू मूवमेंट के बारे में। अमर्या दस्तूर जो हैं वो अब आ करके सामने अपनी बात को रख रही हैं मी टू के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि तमिल का एक बहुत ही फेमस एक्टर जिनके साथ उन्होंने एक फिल्म की थी, वो जो है उनको सेट पे बहुत ही अनकंफर्टेबल बना दे रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे गलत जगह पे गलत इंटेंशन से गलत तरीके से छुआ और वो चीज़ जो है उन्हें किसी भी हालत में पसंद नहीं आई। जब उन्होंने इस बारे में जो है उस व्यक्ति से बात की और कहा कि देखिए आपका इस तरह का जो है व्यवहार मुझे उचित नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो ये बात समझने के बजाय वो एक्टर नाराज़ हो गया और अपने अगल बगल सेट पर जितने लोग थे उनको भी जो है उस लेडी के अगेंस्ट भड़का दिया। और उसके बाद इस लेडी का उस सेट पर बहुत ज़्यादा जो है समस्या के साथ ग्रसित जो है समय गुजरा। ये उन्होंने बोला कि मैं नाम तो लेने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि वो साउथ के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उनके दामाद हैं। तो ये कहानी जो है सीधे सीधे उंगली उठाती है धनुष के ऊपर, जिनके साथ उन्होंने एक फिल्म की थी अभी कुछ साल पहले। और जो है उन्होंने कहा कि मुझे उस आदमी के नाम लेने से बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे धक्का दे करके इंडस्ट्री के बाहर कर देगी कॉलीवुड मीडिया में। लेकिन इस बात को समझना कोई मुश्किल काम था नहीं कि अमर्या किसके बारे में बात कर रही हैं। तो इसके बाद जो है अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अमर्या जो है ये किस तरह का जो डिटेल्स बताएंगी आपको और किस तरह के डिटेल्स आएंगे हमारे सामने। मीडिया का साफ कहना है कि धनुष पहली बार इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस तरह के। इससे पहले भी एक गायिका के साथ जो है सेक्सुअली मिसबिहेव करने का आरोप इनके ऊपर लग चुका है। और जिस व्यक्ति पर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा आरोप लगता है तो उस व्यक्ति पर यकीन कर पाना, उस व्यक्ति की जो है सच्चाई पर यकीन कर पाना, उस व्यक्ति की निर्दोषता पर यकीन कर पाना ये जितना ही कष्टदायक और उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। सही कहा जाए तो एक व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति अपनी जो है भड़ास निकाल सकता है, घृणा निकाल सकता है, लेकिन वही चीज अगर उसको वो बोले कि मेरे पास जो है 25 और औरतें मेरे पास मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हैं लेकिन वो 25ों के 25 द्वेष भाव से कर रही हैं, मैंने कभी किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया, ये संभव नहीं होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं धनुष के ऊपर ये दूसरा आरोप लगा है। इस समय तक धनुष जो है मेरे ख्याल से इस तरीके भी बचे हुए हैं क्योंकि एक तो वो जनरली बहुत ही हम्बल आदमी के रूप में सामने आते हैं, वो जब बात करते हैं किसी से तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही किसी जमीन से जुड़े हुए आदमी से बात कर रहे हैं, किसी बहुत ही ईजी गोइंग आदमी के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है कि वो जो है पूरे हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार जो है उसके दामाद हैं, जिसके चलते भी जो है उनके अगेंस्ट बोल पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। इतने पॉपुलर एक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, मैं अवश्य ऐसा चाहूंगा कि यदि इस तरह की कोई गलती उनसे भूल चूक से भी हुई है तो क्षमा मांग लें, क्योंकि एक चीज़ होती है क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं बड़ा ही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि उनके पहल करने से जो है दूसरे लोग और सेफ फील कर रहे हैं वर्क इन्वायरमेंट में तो ये तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से कोई भी जो वर्क प्लेस होता है वो औरतों के लिए महफूज और सुरक्षित जगह होनी चाहिए। उसी तरह का जो है काम कुछ कर रहा है अभी मी टू का जो पूरा आंदोलन है ये औरतों के लिए और सेफ करते चले जा रहा है। हालांकि ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय आपस में एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जैसे अर्जुन सारजा जो है उन्होंने तुरंत एक मानहानि का दावा डाल दिया है श्रुति के ऊपर, जिन्होंने ये अर्जुन सारजा के जो है व्यवहार के ऊपर आपत्ति जताई और पब्लिक के सामने बताया कि किस प्रकार से जो है ये दुर्व्यवहार करते थे उनके साथ। तो ये तमाम चीजें जो है जानते हुए अब ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता रहेगा, किंतु मीटू का दौर बंद नहीं होना चाहिए। मीटू के दौर से ही सेफ होगा वर्क प्लेस हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, माताओं के लिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा चलता रहे और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं अनुपम सिन्हा और ये है आपका प्रिय चैनल टुडेज। धन्यवाद।